हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना कनेरिया सर, और आज हम आप बात करेंगे अपने टेंस के बारे में, जो कि हमारी इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। विदाउट टेंस हम कुछ नहीं सीख सकते। तो हम बात करेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनका यूज़ हम कहां कहां क्या करते हैं, इनका नाम क्या क्या होता है, इस सब की जानकारी हम सिर्फ 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले निवेदन है आप लोगों से कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम देखेंगे टेंस। देखिए, टेंस हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिना टेंस के हम कुछ नहीं सीख सकते हैं, यानी इंग्लिश ना के बराबर होती है। तो टेंस का अगर हम बात करें हिंदी अर्थ, तो टेंस का हिंदी अर्थ होता है समय। इसका एक हिंदी अर्थ और होता है जो कहते हैं काल। एक्चुअली हमारे यहाँ सिर्फ काल बताया जाता है, समय नहीं बताया जाता। तो टेंस के 2 मतलब होते हैं, एक होता है समय और एक होता है काल। अच्छा, टेंस के प्रकार की बात करें हम, तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है प्रेजेंट टेंस। अगर हम इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल, जो कि अभी चल रहा है, आज कल जैसे। अगर हम दूसरे टेंस की बात करें तो दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है भूतकाल, जो कि यानी गुजर गया होता है। उस टेंस को यानी उस काल को हम भूतकाल कहते हैं, यानी पास्ट टेंस। और हमारा अगला टेंस आता है फ्यूचर टेंस, जिसका मतलब होता है भविष्यकाल। ठीक है, यानी आने वाले समय की जो बातें होती हैं उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे इस प्रकार से टेंस के हिंदी अर्थ और टेंस के कितने प्रकार होते हैं, इस चीज़ की हमने जानकारी ली। आगे हम पढ़ेंगे कि इनके एक्चुअली ये जो 3 प्रकार के टेंस होते हैं, उन सब के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनेट, जिसका मतलब होता है अनिश्चितकालीन। ठीक है, यानी जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता उसे इंडेफिनेट कहते हैं। दूसरा है निरंतर, यानी कंटिन्यूस। दूसरे की बात करें हम तो कंटिन्यूस, जिसे निरंतर या जारी कहते हैं। ठीक है, और हमारा अगला टेंस आता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है उचित, उत्तम या श्रेष्ठ। यानी कोई भी चीज़ एकदम श्रेष्ठ होती है, उत्तम होती है, उसे परफेक्ट कहते हैं। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कोई भी चीज़ उत्तम या जारी अवस्था में है। इसका एक मतलब और होता है, जो कि काल का प्रकार, उसे दूसरी भाषा में काल का प्रकार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं और टोटल मिला के 12 सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो पहला टेंस बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और हमारा तीसरा जो टेंस बनता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमारे धीरे धीरे 4 टेंस बन जाते हैं, यानी प्रेजेंट के। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, यानी इस प्रकार से प्रेजेंट के कंप्लीट होते हैं 4 सेंटेंस। उसी प्रकार हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, और हमारा तीसरा जो टेंस बनता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथे की बात करें तो चौथा टेंस बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से हमारे पास्ट के 4 भाग कंप्लीट होते हैं। उसी प्रकार फ्यूचर का जो बाकी है, उसी प्रकार फ्यूचर के सेंटेंस भी बनते हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आता है। फ्यूचर कंटिन्यूस के बाद जो हमारा तीसरा टेंस आता है वो आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद हमारा चौथा सेंटेंस आता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से हमारे टोटल 12 सेंटेंस बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में हमें